टाइप है ना करेंसी को ऐसी क्रूजाडोस कॉन्स्टेबल्स ये जो क्रूजाडोस जन डिमोनिटाइज हो गए 1996 से इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये निकाल के ब्राज़ील में रियल करेंसी चल रहा है। तो ये करेंसी आउटडेटेड करेंसी को यहाँ पर रियल करेंसी बोल के जो इनोसेंट आदमियों को ये करेंसी दे के इसमें जो एक क्रूजाडोस को 26 रुपीस इंडियन करेंसी होता उसको आधा से आधा बेचेंगे बोल के इन लोगों का जो इनोसेंट पब्लिक को सर्कुलेट कर रहे हैं। इसमें 12 जनों को पकड़ लिए और जो 4 जने एब्सकॉन्डिंग है इसमें एक वेंकट रेड्डी बोल के श्रीकाकुलम का है जो उनको कहाँ से आया ये पता को होता उनके लिए भी हम एफर्ट कर रहे हैं। इनको ये आर्बिट्स पुलिस स्टेशन को हैंड ओवर कर रहे हैं। ये सीज अमाउंट एज वेल एज और ये 12 सेलफोन्स फर्दर केस इन बुक करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एबिट्स को हैंड ओवर करेंसी। इन लोग के पास कहाँ से आती है? ये जो करेंसी है एक से एक जैसे इसमें पहला 2% का कमीशन में से सर्कुलेट हो रहा जो पहला 1,55,000 फिर बाद में ऐसी एक एक आदमी का एक्सचेंज हुए तो 2% कमीशन ले रहे जो फाइनली एक 3 जने आइडेंटिफाई हुआ एक हाजी बोल के है और एक वेंकट रेड्डी ये दोनों भी एब्सकॉन्डिंग है। अगर इनको पकड़ने के बाद मालूम होता कि ये करेंसी कहाँ से आया। ये करेंसी अभी तो ब्राज़ील में नहीं चल रहा है। जैसे कोई ब्राज़ील जाने का यूरोप जाने का है उन लोगों को बोलते कि ये बहुत सस्ते में दे देंगे इससे आप पैसे कमा सकते बोल के वो इंडियन करेंसी ले रहे। भाई अब तो इन्होंने अटेम्प्ट करे उन्होंने सर्कुलेट करा अब मालूम होता फर्दर इन्वेस्टिगेशन में कितने लोगों को इनमें से 12 आदमियों में एक से एक ट्रांसफ़र करे सो है और पहले इससे पहले भी कितने लोगों को ऐसा करे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में मालूम होगा। सर एक रैकेट साउथर्न टास्क फोर्स में भी एक रैकेट जैसा।